हेलो गाइस, दिस दीपन गाटलिया, ट्यूटर एंड डायरेक्टर एट करियर कंपास। काफ़ी सारे लोग दीपन सर के नाम से ही जानते हैं मेरे को। एंड आई एम अ लीडिंग ट्यूटर इन द गुजरात स्टेट। सो एंड बेसिकली मैं काफ़ी 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए। एक्सक्लूसिवली ACCA आई डू टीच। एंड नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, सारे लेवल्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ मैं। ऑलमोस्ट ACCA के 13 पेपर्स में से 7-8 पेपर मैं खुद पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग बहुत ही कम सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टूडेंट्स को टीचिंग स्टाइल जम गया ना, स्टूडेंट्स बोलते रहे सर आप ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ाओ, सर ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ाओ। सो वैसे वैसे करके थोड़े स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में फिर अभी खुद पढ़ाता हूँ। एंड यस, हमारा प्यार प्राइमरीली फोकस जो है वो होता हमेशा टीचिंग के अंदर होता है। मेरे को कभी टाइम मिलता है तो इस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ, अदरवाइज प्राइमरीली हमारा 100% फोकस लेक्चर्स, स्टूडेंट्स क्वेरी सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, दैट काइंड ऑफ द फोकस वी आर हैविंग। हमारा स्टूडेंट्स और कोई भी तरीके की ACCA की क्वेरीज के लिए यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। चैट बॉक्स के अंदर आइए, डायरेक्टली मेरे से बातचीत करिए, आपकी विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। एंड अदरवाइज आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर डिस्कशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। ACCA रोड मैप, मतलब अगर आप ACCA स्टार्ट करते हो तो आपको एंड तक क्या क्या चीज़ें करनी होगी एंड एंड में क्या होगा, एवरीथिंग, दिस होल रोड मैप ऑफ योर फ्यूचर। स्टूडेंट्स, ACCA फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद द नॉलेज लेवल पेपर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं एग्जम्पशंस वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो BCom या CA के बेस पे एग्जम्पशन क्लेम करके आए हैं। दिस इज द ओवरऑल रोड मैप आई एम टॉकिंग अबाउट। द फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज लेवल, वहाँ पे 3 पेपर आपको मिलेंगे। ये तीनों के तीनों पेपर स्टूडेंट्स 365 डेज एग्जामिनेशन अवेलेबल है, कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ऑन डिमांड एग्जाम है, ऑलमोस्ट 100% MCQ बेस्ड एग्जाम है एंड उसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, नेगेटिव मार्क। देन उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्किल लेवल पेपर के अंदर, द 6 पेपर्स आर देर। स्किल लेवल के अंदर भी मेजोरिटी पेपर्स आपके पास 60 मार्क्स के MCQs वाले रहेंगे, 100% MCQ नहीं है बट 60% MCQ इज देर एंड नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। बट स्किल लेवल के पेपर के अंदर मेजोरिटी जगह पे आपके साल में 4 बार एग्जाम अपियर करने को आएगा, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। दीज 4 टाइम्स यू कैन अपियर द एग्जाम। स्किल लेवल पेपर ऑन डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और एग्जाम दिया, नहीं। ओके, स्किल लेवल एग्जाम प्रॉपरली ACCA इन्विजिलेशन के साथ एग्जाम अपियर की जाती है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोफेशनल लेवल के अंदर। प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपके पास में स्टूडेंट्स 4 पेपर है, 2 कंपलसरी के पेपर्स है, जो 2 कंपलसरी है उसके अंदर IFRS है एंड दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट है, लीडरशिप है। सो ये 2 पेपर दुनिया के सारे ACCA क्वालिफाइड लोगों को देने पड़ते हैं। मैं कहीं ना कहीं ऐसा बोलता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल है ना, स्पेशलाइजेशन का पेपर्स है। देखो, कोई भी ACCA क्वालिफाइड बंदा होगा उसको IFRS के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, बोले यार ACCA किया हुआ है एंड IFRS नहीं आते, सो दैट इज द स्पेशलाइजेशन, बट इट्स अ कंपल्सरी स्पेशलाइजेशन दैट एवरी वन शुड हैव। एंड द सेकेंड वन इज द लीडरशिप। ACCA बोल रहा है कि दीपन भाई, अगर आप ACCA बन गए हो, आफ्टर 5 to 10 ईयर्स जब आप एक टॉप लेवल के पोजिशन में होगी तो आपको लीडरशिप करना आना चाहिए एंड दैट्स वाई द लीडरशिप पेपर इज अ कंपल्सरी स्पेशलाइजेशन पेपर। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना एंड इस अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे पास में जो अवेलेबल है वो है कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, UK टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। 4 में से कोई भी 2 ऑप्शनल पेपर्स चूज करने के, सो 2 कंपल्सरी के पेपर्स एंड 2 ऑप्शनल के पेपर्स आपको चूज करने हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोफेशनल लेवल वर्क्स। प्रोफेशनल लेवल में MCQs नहीं होते हैं, 100% केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन है, अलग अलग पेपर के अंदर अलग अलग प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स है। एंड ये जो प्रोफेशनल लेवल है, वंस अगेन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये अलग अलग एग्जामिनेशन में अपियर करना होता है। आपका नॉलेज लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद, स्टार्टिंग का लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। देन उसके बाद स्किल्स लेवल, मतलब 1st 9 पेपर ऑफ द फंडामेंटल लेवल कंप्लीट्स, वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड ACCA के प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद यू विल बिकम ACCA एफिलिएट, तो आपको एफिलिएट स्टेटस मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि चलो सर एफिलिएट तो बन गए बट सर ये मेंबरशिप क्या है। सी,
बेसिकली मेंबरशिप उन्हीं लोगों को चाहिए होती है कि जिनको कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है ACCA बनने के बाद। अब एज एन ACCA हमको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का अथॉरिटी मिलता है तो भैया UK का मिलता है। अब अगर आपको ऐसा है कि आपको UK जाके वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है तो ही आपको मेंबरशिप की ज़रूरत है। सेकेंड, अगर स्पेसिफिकली आपका एम्प्लॉयर मांग रहा है कि आप ACCA मेंबरशिप होल्ड करो तो आपको मेंबरशिप चाहिए होगी, तो एफिलिएट स्टेटस से नहीं चलेगा। एंड द थर्ड वन, आपको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मेंबरशिप चाहिए तो ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सर ओके, मेरे सारे फ्रेंड्स एफिलिएट हैं, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना है, ACCA का मेंबरशिप ले लो, थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को एक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हो, दैट्स श्योरली पॉसिबल, करेक्ट। सो इन लोगों को मेंबरशिप क्लेम किया जा सकता है। बट ये एफिलिएट एंड मेंबरशिप के बीच में स्टूडेंट्स से 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि आप एज एन फ्रेशर हो एंड आप मेंबरशिप क्लेम करो, ऐसा नहीं है। 3 साल आप कहीं ना कहीं जॉब करो फिर जाके मेंबरशिप क्लेम हो सकती है। ACCA ने 3 साल का जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर सैलराइड जॉब मेंशन किया है, मतलब 20, 25, 30, 35 वॉट एवर सैलरी यू आर गेटिंग एट अ वेरी फ्रेशर लेवल, वो आप क्लेम करो, अच्छी तरीके से जॉब करो जस्ट लाइक एवरी वन, देन उसके बाद मेंबरशिप मिलेगा। ACCA ने कभी भी 3 साल का आर्टिकलशिप शब्द यूज नहीं किया है, राइट। सो बेसिकली आर्टिकलशिप जैसा नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्रॉपर जॉब है। एंड मैं बेसिकली मानता हूँ स्टूडेंट्स की मेंबरशिप की अगर जरूरत नहीं है तो वहाँ पे फोकस मत करो, जस्ट कंप्लीट द 13 पेपर्स ऑफ ACCA एंड गेट एन एफिलिएट स्टेटस, दैट्स इट, ओके। सो कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जानना है कि सर यहाँ पे आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट है तो मैं मना करूँगा, नहीं है। ACCA के अंदर आर्टिकलशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू विल गेट ईजिली एन एफिलिएट स्टेटस एंड यू कैन वर्क एनी वेयर इन द वर्ल्ड विथ योर एफिलिएट स्टेटस। आई पर्सनली आई एम ऑल्सो एन ACCA एफिलिएट स्टूडेंट्स, मैं अभी तक मेंबर नहीं बना हूँ। क्यों? हाँ बोलो सर, क्या मेरे को बेसिकली ज़रूरत नहीं है मेंबरशिप स्टेटस की? एंड अनदर थिंग इज दैट कि मेरा जो पूरा का पूरा करियर का एक्सपीरियंस है जॉब का एंड वगैरह का, वो टीचिंग फील्ड के अंदर है। आई हैव नेवर एवर वर्कड इन द अकाउंटिंग फील्ड, ऑडिटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ये कोई फील्ड में मैंने काम ही नहीं किया है। तो इवन इफ आई वॉन्ट टू क्लेम द मेंबरशिप स्टेटस देन ऑल्सो आई कांट, तो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी आई एम हैप्पी विथ माई एफिलिएट स्टेटस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल जर्नी। अब इस एफिलिएट स्टेटस के अंदर 13 पेपर्स तो कंप्लीट करने ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टूडेंट्स एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल भी आपको EPSM जिसको बोला जाता है, EPSM आपको अपीयर करना होगा। वो एक 20 आवर्स का ऑनलाइन मॉड्यूल है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन लैपटॉप के अंदर टीचिंग किया जाएगा, उसके बाद कुछ छोटा सा MCQ वगैरह जैसा टेस्ट होगा, एंड वो अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड है। 20 घंटे लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, वो आप कभी भी अपेयर कर सकते हो। वो एक छोटा सा एग्जाम तो नहीं बोल सकते बट एक फॉर्मेलिटी है कि जो आपको एथिक्स सिखाता है, राइट। तो एथिक्स के रिगार्डिंग छोटा सा मॉड्यूल है, एग्जाम नहीं बोल सकते, मॉड्यूल है विच यू हैव टू कंप्लीट, तब जाके आपको एफिलिएट स्टेटस मिलेगा। सो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टूडेंट्स ACCA के रोड मैप है। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि अगर आपको ये 13 पेपर्स कंप्लीट करने हैं तो नॉलेज लेवल के लिए फर्स्ट 4 पेपर्स के लिए, फर्स्ट नॉलेज लेवल के लिए आप 1 साल स्पेयर करो, फिर स्किल्स लेवल के लिए 1 साल, तो कहीं ना कहीं 2 सालों के अंदर नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल दोनों कहीं ना कहीं आगे पीछे करके कंप्लीट करना है। एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए डेडिकेटेडली 1 ईयर बचा के रखना, 1 साल, तब जाके आपका पूरा का पूरा ACCA एफिलिएट 3 साल में कंप्लीट होगा। BCom के साथ साथ अगर कर रहे हो, 12th के बाद तुरंत ही कर रहे हो, तो आपका ACCA BCom के पैरेलल 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ACCA को परस्यू कर सकते हो स्टूडेंट्स। फॉर एनी क्वेरी एज आई टोल्ड यू, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चैट बॉक्स में आइए, मेरे साथ 1-on-1 चैट कीजिए। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय।